Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to start next poem of Celia Seth. That is The Bee Mating. Basically, this poem is about the identity of Celia Seth. के उसकी identity क्या है society के अंदर. Uncertainty दिखाई गई है इस poem में. Symbolic characters of society. सोसाइटी के सिम्बोलिकली सोसाइटी के जो करेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है. सैडनेस दिखाई गई है. ओल्ड ट्रेडिशंस को दिखाया गया है. फियर, डिस्पर्स्ड एटीट्यूड, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी. अब सिल्विया सैथ ने, क्योंकि जैसे कि आप इसके पोइम से भी पढ़ते आए हो, बी मीटिंग, बी इसके हवाले से आपने इसके एक पोइम पढ़ी है पहले, अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, तो उसने ये पोइम जो है वो बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर बहुत से टूटे फूटे आइडियाज आपको मिलेंगे, कुछ पर्सनल आइडियाज भी मिलेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी नजर आएंगे जिनकी आपको कोई सेंस नहीं बननी होती या समझ नहीं आ रही होती. जो आइडिया आपको क्लियर हो आपने उसे लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे. और दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली इस पोइम के अंदर उसने ये रिप्रेजेंट किया है कि उसको रिप्लेस कर दिया गया है. जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने आपको बताया था ना कि इसके हस्बैंड का एक अफेयर था आसिया विवल नामी लड़की के साथ, तो उसने इस पोइम को सिम्बलाइज करते हुए, बीस का यूज़ करते हुए ये चीज़ रिप्रेजेंट की है. वो ये कहना चाहती है कि मुझे सोसाइटी जो है रिप्लेस कर रही है, यानी कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो किसी और के साथ अफेयर बनाया और सोसाइटी जो है वो मेल, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इसलिए मेल्स को वो परमिट क्यों करते हैं, यानी सोसाइटी क्यों परमिट करती है कि वो अफेयर्स बना सकते हैं या वो जो है वो इलीगल रिलेशन बना सकते हैं या लीगल रिलेशन बना सकते हैं, तो फीमेल को फ्रीडम क्यों नहीं है, फीमेल को जो है वो उस चीज़ की आज़ादी क्यों नहीं है, या वो अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सकती, वो अथॉरिटी क्यों नहीं बन सकती. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करके शुरू में वो बताती है, इस तरह से बात शुरू करेगी कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे लेने के लिए आए हैं, वो फिर कहते हैं कि वो प्रीस्ट है या वो मिडवाइफ है, इस तरह से वो सिम्बलिज्म इस्तेमाल करते हुए बात करते. फिर वो कहते हैं कि मैं मुझे झाड़ियों के अंदर से लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पहचान पाती इनको कि वो कौन लोग हैं साथ, यानी कि अनसर्टेनिटी भी है उसके साथ, तो वो कहती है कि मैं उनको पहचान नहीं पाती. फिर एंडिंग में, एट दी एंड वो कहती है, जूँ जूँ वो पोइम के साथ ग्रेजुअली बढ़ रही है, वो ये बताना चाह रही है कि किस तरह से उसको नेकेड किया जा रहा है, किस तरह से सोसाइटी जो है वो उसको क्रश कर रही है, उसको जो है वो पैथेटिक बना रही है, पेनफुल बना रही है, और उसको उसकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसको कोई सपोर्टिव नहीं है. और एट दी एंड वो इस कंफ्लुएंस पॉइंट पहुँची है कि सोसाइटी जो है वो जीत गई है और उसने उसको रिप्लेस कर दिया है. रिप्लेस का मतलब यही है ना कि यानी कि वो उसकी एज अ वाइफ थी ना, जब उसे रिप्लेस किया गया इट्स मीन कि उसकी जगह पर कोई और वुमेन ने ले ली है, उसकी जगह किसी और वुमेन ने ले ली है, और इस बात पे वो क्लेम उठाती है कि इस तरह से क्यों हुआ है मेरे साथ. तो उसने बीस का रेफरेंस दिया है, यानी कि वो बात बीस को लेके करेगी कि एक बी जो है वो एक छत्ता बना हुआ है मक्खियों का, ठीक है, और वो कहती है कि वो क्वीन बी है, उसने अपने आप को क्वीन बी, इस जो मक्खियों का छत्ता होता है उसके अंदर क्वीन बी होती है, उसने यानी मूव नहीं करना होता, जो दूसरे जो मक्खियों के जो छत्ते के जो दूसरे होते हैं ना वो लेकर आते हैं, यानी कि शहद वो इकट्ठा करते हैं, और क्वीन बी जो है वो वहीं पर रहती है. फिर जब वो छत्ता तैयार हो जाता है तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि वो उसको पहले आग भी लग देते हैं छत्ते को उतारने के लिए, ताकि मक्खियाँ जो है वो काटे ना, हीट अप करते हैं उसको, फिर जो है वो फिर उसको जो है वो उसमें से शहद लेते हैं. तो बेसिकली वो यहाँ से बात स्टार्ट करती है कि एज अ क्वीन बी जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है, क्वीन बी की जगह जो है वो किसी और ने ले ली है. तो बीस की बात वो ये हमें पता है कि वो क्यों बीस का एज अ सिंबल इसको क्यों यूज करती है, क्योंकि उसका फादर जो है वो बायोलॉजिस्ट था, तो और बी की थिंग में जो है वो उसको स्पेशलाइज था वो, तो इस वजह से इसने जो है वो बीस का रेफरेंस यूज किया है. लेट्स सी. Who are these people at the bridge to meet me? They are the villagers.
director, the midwife, the sexton, the agent for bees. In my sleeveless summery dress, I have no protection, and they are all gloved and covered. Why did nobody tell me? They are smiling and taking out whales tagged to ancient heads. I am nude as a chicken neck. Does nobody love me? Yes, here is the secretary of bees with her white show of smoke, buttoning the cuffs at my wrist and slit from my neck to my knees. Now I am mild, weak silk. The bees will not notice. They will not smell my fear, my fear, my fear. Which is the rector now? Is it that man in black? Which is the midwife? Is that her blue coat? Everybody is nodding a square black head. They are knights and wizards. Best pairs of these clothes knotted under the armpits. Their smiles and their voices are changing. I am led through a bean field. Strips often furled, wicking like people, feather dusters fanning their hands in the sea of bean flour. Creamy bean flowers with black eyes and leaves her bored heart. It's a blood clot. The tendrils are dragging up that string. Who are these people at the bridge to meet me? ब्रिज को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ब्रिज जो है वो खासतौर पर इसलिए बनाया जाता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट हुआ जा सके। तो ये ब्रिज जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ लाइफ टू अनदर प्लेस ऑफ लाइफ। अब वो जैसे ही उसने लाइन स्टार्ट की है, स्टार्ट में ही अनसर्टेनिटी आ गई है। वो कहती है हु आर दिस पीपल, उसने खुद क्वेश्चन कर दिया है, यानी कि वो खुद अनसर्टेन है, उसको खुद नहीं पता कि जो लोग मुझे मिलने के लिए आए हैं या मुझे लेने के लिए आए हैं वो कौन हैं। अब लोग जो आए हैं वो उसको असल में रिप्लेस करवाना चाहते हैं ना, और वो हु कौन है वो सोसाइटी है, बेसिकली वो सोसाइटी बन रही है। हु आर दिस पीपल एट द ब्रिज, कहती ये कौन लोग हैं जो ब्रिज पे आए हैं टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए या मुझे लेने के लिए। दे आर द विलेजर्स, ये विलेजर्स हैं, यानी कि अब विलेजर्स को हम क्या लेंगे, सोसाइटी ले सकती हैं, पीपल ले सकते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी ले सकते हैं। अब वो आगे विलेजर्स को उसने मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया आगे, वो कहती है कि ये रेक्टर है, क्योंकि वो अनसर्टेन है ना, वो खुद बता रही है कि क्या ये रेक्टर है, पूछ रही है क्या ये रेक्टर है। रेक्टर मीन्स प्रीस्ट, क्लर्जी मैन को कहते हैं, पादरी। द मिडवाइफ, या ये मिडवाइफ है, मिडवाइफ भी यहाँ पे, यानी कि जैसे आपने प्रायरेट पढ़ी थी चार्चर की, यानी फीमेल प्रीस्ट भी होती है ना, तो यहाँ पे या ये कोई फीमेल प्रीस्ट है, हाँ नन है। जी सेक्सटोन, सेक्सटोन होता है केयर टेकर ऑफ अ चर्च, यानी कि जो चर्च का केयर टेकर हो उसको कहते हैं सेक्सटोन। द एजेंट फॉर बीज, अब वो कहती है कि पहले उसने यहाँ से बात शुरू की, वो कहती है ये कौन लोग हैं जो ब्रिज पे मुझे मिलने के लिए आए हैं, ये क्या ये विलेजर्स हैं। फिर वो कहती है कि ये रेक्टर हो सकता है, या मिडवाइफ हो सकती है, या फिर कोई केयर टेकर ऑफ द चर्च हो सकता है। दी एजेंट, ये तमाम के तमाम एजेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कि एज एन एजेंट काम करते हैं, जो कि सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी को सपोर्ट देते हैं, उनके लिए काम करते हैं। फॉर बीस, एजेंट फॉर बीस। अब बीस को यहाँ पे दो तरह से हम बयान कर सकते हैं, मे बी ये सोसाइटी है, लेकिन मे बी ये डिज़ायर्स भी हो सकती हैं, यानी दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, डिज़ायर्स भी और मेल डोमिनेंट सोसाइटी भी। डिज़ायर्स इस सेंस में फिर हम लेंगे कि वो ये कहना चाहती है कि ये जो तमाम के तमाम लोग हैं ये लोगों की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं सोसाइटी में रहते हुए, या फिर ये सोसाइटी के ही एजेंट्स हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के ये तमाम के तमाम एजेंट्स हैं, क्लर्जी मैन और मिडवाइफ। या फिर ये भी तो हो सकता है ये एजेंट सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करते हैं।
हाँ बिल्कुल, यानी कि 20 को हम यहाँ पे दो तरह से ले सकते हैं, अगर हम या डिजायर्स के हवाले से देखेंगे इसको, या फिर हम इसको कि मे बी ये सोसाइटी हो सकती है। और सेक्सटोन का एक मतलब ये जो होता है, ग्रेव डिगर्स को भी कहते हैं, यानी कब्र खोदने वाले जो होते हैं ना, तो उनको भी कहते हैं। इन माई स्लीवलेस समरी ड्रेस आई हैव नो प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे जो है वो उसकी आइडेंटिटी को वो अपनी शो कर रही है, अपनी नेकेडनेस को शो कर रही है इस लाइन में। वो कहती है इन माई स्लीवलेस समरी ड्रेस, कि मेरा जो ड्रेस है वो स्लीवलेस है, मैं बिल्कुल जो हूँ वो इनसिक्योर हूँ। इनसिक्योरिटी को ये लाइन शो करती है कि फोटो से कह रही है कि मैं बिल्कुल ही स्लीवलेस समरी ड्रेस में हूँ, यानी कि शॉर्ट ड्रेस में हूँ, विदाउट प्रोटेक्शन हूँ, मेरी आर्म्स जो हैं वो नेकेड है। ये लाइन डेंजर को शो करती है, इनसिक्योरिटी को शो करती है, एग्नी को शो करती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी को शो करती है, उसकी उसके एस्केप को शो करती है, एस्केप फ्रॉम सोसाइटी को। वो कहती है आई एम स्लीवलेस समरी ड्रेस, कि मैं बिल्कुल ही नेकेड हूँ, शो ड्रेस में हूँ, यानी कि वो ये बताना चाहती है कि औरत जो है वो सोसाइटी में बिल्कुल ही, उसको कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है, बिल्कुल वैल्यूलेस है वो। आई हैव नो प्रोटेक्शन, और मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, एंड दे मीन्स यानी कि सोसाइटी जो है, ये जो ऊपर हमने बात की थी रेक्टर्स की और मिडवाइफ की, दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, और वो तमाम के तमाम जो हैं वो कवर्ड अप हैं, उन्होंने हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं और उनकी ड्रेसिंग भी कंप्लीट है, वो कवर्ड है। व्हाई डिड नोबडी टेल मी, अब वो कहती है कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, यानी कि वो रेक्टर्स और मिडवाइफ जो हैं वो उसे लेने के लिए आए थे ना, अब वो खुद क्योंकि अनसर्टेनिटी में है, तो वो कह रही कि मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया कि ये लोग जो हैं ये आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। दे आर स्माइलिंग, अब वो कहती है कि वो लेने के लिए इस सेंस में कि सोसाइटी जो है वो उसको क्रश कर रही है, इट मीन कि वो ये कहना चाहती है कि सोसाइटी जो है वो उसको दबा रही है, उसको क्रश कर रही है, और ये लोग जो हैं, यानी कि वो ये कहना चाहती है, जब वो ये कह रही है ना व्हाई डिड नोबडी टेल मी, इट्स मीन कि वो ये कहना चाहती है कि फीमेल जो है वो इन तमाम चीज़ों से इग्नोर है, इग्नोरेंस का वो इजहार करती है, यानी कि उसे नहीं पता होता कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो किस वक्त पे या किस मौका पे उसे क्रश कर सकती है, या उसके साथ किस वक्त जो है वो अचानक से कोई हादसा पेश आ जाए, या उसको जो है वो कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी मेल्स जो हैं वो तो कभी भी, वो तो फ्री है ना, वो तो कभी भी कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन वो उनसे इजाज़त नहीं ना लेते, फीमेल से इजाज़त तो नहीं ली जाती। तो वो इस सिनेरियो में बात करिए कि उसे जो है वो बताया क्यों नहीं गया, यानी कि उससे क्यों नहीं परमिशन दी गई, या उससे जो है वो इजाज़त क्यों नहीं ली गई। दे आर स्माइलिंग, वो मुस्करा रहे हैं, एंड टेकिंग आउट वेल्स टैग टू एंशंट हेड्स, वो मुस्करा रहे हैं एंड टेकिंग आउट वेल्स, और वो अपने उन्होंने नकाब लिए हुए, वेल्स का मतलब होता है नकाब लेना, टैग का मतलब होता है पिनअप करना। दे आर स्माइलिंग, वो मुस्करा रहे हैं, एंड टेकिंग आउट वेल्स टैग टू द एंशंट हेड, वो मुस्करा रहे हैं एंड टेकिंग आउट, और उन्होंने अच्छे से जो है वो नकाब किए हुए हैं, पिनअप किए हुए हैं, टू एंशंट हेड्स, एंशंट हेड्स के अंदर, यानी एंशंट हेड्स क्या हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशंस को साथ लिए हुए वो आए हैं, जो लोग मेरे पास आए हैं, और वो ओल्ड ट्रेडिशंस के अंदर रहते हुए उन्होंने एक तो, यानी वो कहती है कि ये जो लोग हैं ना, यानी कि जो रेक्टर होते हैं या प्रीस्ट होते हैं, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, मेल्स को सपोर्ट करते हैं, और यानी कि वो ये कहना चाहती है कि उन्होंने अंदर से वो कुछ और होते हैं, बाहर से वो कुछ और होते हैं, यानी कि एट द सेम टाइम वो नज़र तो होली आते हैं, जैसे ये जो है वो होली पर्सन हैं और ये हमारी बेनिफिशियल है, हमारे लिए, हमारी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट तो वो सिर्फ मेल को कर रहे हैं, फीमेल को नहीं कर रहे, वो इस बात पे क्लेम कर रही है ना, वो ये भी समझते कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ हमें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो है वो हमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते। टू दी एंशिएंट हेड्स, एंशिएंट हेड्स
हैड यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन, यानी कि ये उनकी एक ओल्ड ट्रेडिशन चलती आ रही है कि सोसाइटी में जो है वो हमेशा मेल डोमिनेंट ही रहना है। तो उस ओल्ड ट्रेडिशंस का सहारा लेते हुए ये वेल्स के साथ मेरे पास आए हैं। आई एम न्यूड एज अ चिकन नेक, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन। और उसकी इनोसेंस का ये एक्सप्रेशन ऑफ इनोसेंस है, वो कहती है आई एम न्यूड एज अ चिकन नेक, कि मैं एक चिकन नेक की तरह न्यूड हूँ, नंगी हूँ। यानी कि जैसे कि एक चिकन की नेक होती है ना, उसकी तरह मैं नंगी हूँ। कितनी नाजुक सी होती है वो। डज नोबडी लव मी, वो कहती है कि क्या मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डिसलॉयल हो गया ना उसके हस्बैंड उसके साथ, डिसलॉयल्टी उसने कर ली। तो अब वो क्लेम कर रही है, और वो एट द सेम टाइम अपनी होपलेसनेस को भी शो कर रही है इस लाइन में, और उसकी इनोसेंस भी इसमें शो हो रही है कि वो कहती है डज नोबडी लव मी। यस हियर इज द सिक्योरिटी ऑफ बीज। अब फिर जो है उसका क्या कहते हैं, इमेजरी उसकी चेंज हो गई है, एक्सप्रेशन उसका चेंज हो गया है। अब कहती है हियर इज द सिक्योरिटी ऑफ बीज विद हर वाइट शो ऑफ स्मोक। स्मोक कहते हैं सेक्रेटरी जो है यहाँ पे, उसने उसको कहा है, उसकी जो वो है ना जिसके साथ इसका अफेयर था, आसिया विविल को, उसको इसने कहा सेक्रेटरी ऑफ बीज। कौन था? आसिया विविल, जिसके साथ अफेयर था इसका, टेंशन नहीं था। वो कहती है हेयर इज़ द सिक्योरिटी, यहाँ पे एक सिक्योरिटी है ऑफ बीज, बीज की यानी कि जो मक्खियों का छत्ता होता है उसके अंदर एक क्वीन भी होती है, ठीक है, और एक सिक्योरिटी होती है। अब वो कहती है कि जो सिक्योरिटी है ऑफ बीज, बीज की, विद हर वाइट शो ऑफ स्मोक, वो वाइट शो ऑफ स्मोक का मतलब है अ काइंड ऑफ क्लोदिंग, यानी कि एक किस्म के कपड़े को कहते हैं, खास किस्म का वाइट कलर के कपड़े को, काइंड ऑफ क्लोथ है ये। वो कहती है कि वो जो सेक्रेटरी है वो अब ड्रेसिंग कर रही है उसको, बीज को, यानी कि क्वीन बी को वो तैयार कर रही है जो उसकी सेक्रेटरी है। यानी कि इन अदर सेंस में ये कहना चाहती है कि जो आसिया विवल है वो एक तरह से, क्योंकि उसने मेरी जगह ले ली है, तो वो अपने आप को तैयार कर रही है कि वो मुझे अपनी जगह पे, यानी कि मुझे वो ड्रेसिंग अप करके तो मुझे वहाँ से हटाना चाहती है, और खुद जो है वो मेरी जगह लेना चाहती है, ठीक है। हर यानी सेक्रेटरी ऑफ बीज विद हर वाइट शो ऑफ स्मोक, काइंड ऑफ क्लोथिंग के साथ वो आई है आसिया विवल, और वो क्या कर रही है, बटनिंग द कफ, वो उसके कफ के बटन लगा रही है, यानी क्वीन बी को वो ड्रेसअप कर रही है, उसको तैयार कर रही है, उसके बटन लगा रही है एट माई रिस्ट, रिस्ट के एंड द स्लिट, स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग, किस चीज़ को खोलना, फ्रॉम माई नेक टू माई नीज, यानी कि उसने जो है वो उसको ओपनिंग करके, उसको जो उसकी पुरानी ड्रेसिंग थी उसको चेंज अप करके, फ्रॉम माय नेक टू माय नीज, यानी कि ओवरऑल उसको नेक से लेके नीज तक उसको चेंज अप कर दिया, उसने ड्रेस अप कर दिया है, उसकी ड्रेसिंग चेंज कर दिया है। नाउ आई एम माइल्ड वीक सिल्क, मतलब ड्रेसअप कर लिया, ड्रेसअप करके, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि वो ये कहना चाहती है कि क्योंकि उसने आशा विवल ने मुझे रिप्लेस करना है ना, मेरी जगह लेनी है, तो उसने क्योंकि उसने साथ साथ एक इमेजिनरी भी वो क्रिएट करी ना, उसको वो तोड़ा नहीं है उसने, यानी कि जो क्वीन बी है उसको कह रही है कि एक सेक्रेटरी है, उसने क्वीन बी को डेसअप करके उसको वहाँ से निकालना है, और वहाँ पे अपनी जगह वहाँ पे उसने बनानी है। तो वो ये कहना चाहती है कि उसने जो भी, यानी कि मेरी लाइफ में जैसे मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, तो मैंने अपनी जिस तरह से लाइफ गुजारी उसको वो मेरे हस्बैंड की लाइफ के साथ, जो मेरी लाइफ जिस तरह से गुजरी है उसको वो निकाल देना चाहती है, और खुद वहाँ पे अपनी जगह बनाना चाहती है। ओवरऑल यानी कि आपने उसको ड्रेसिंग बदलने की सेंस में नहीं समझना, यानी अगर वो ये किस सेंस में कहती है कि मतलब उसने मुझे ड्रेसअप कर दिया है। हाँ यही मैं बता रही हूँ ना, कि जब वो ये कह रही है ना कि उसने मुझे ड्रेसअप कर दिया, इट मीन्स वो ये कहना चाहती है कि जो आसिया विवल है वो, यानी कि वो इस तैयारी में है कि वो मुझे मेरे हस्बैंड की लाइफ से निकालना चाहती है, और अपनी वहाँ पर जगह बनाना चाहती है। इस ये जो पोइम है इसके अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं,
Now I am mild, weak, silk. The bees will not notice. वो कहती है नाउ आई एम माइल्ड वीक से, लेकिन वो अब यहाँ पे उसके इस लाइन में अब वो फियर को फील कर रही है, इसका फियर है. वो कहती है नाउ आई एम माइल्ड वीक सेल. माइल्ड वीक सेल जो है वो इज अ काइंड ऑफ प्लांट. वो कहती है कि अब मैं किसी पौधे में तब्दील हो जाऊंगी, यानी कि मैं किसी पौधे में चेंज हो जाऊंगी. यानी कि वो क्योंकि फियर है उसको सोसाइटी का, और वो चीज़ से फियर रखती है कि उसको कोई चेंज ना कर दे, यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट ना कर दे, उसकी जगह कोई और ना ले ले. तो वो कहती है कि मैं एक पौधे में तब्दील हो जाऊंगी. द बीज विल नॉट नोटिस, और जो इर्द गिर्द की जो बीज हैं वो मुझे नोटिस नहीं करेंगी, यानी कि सोसाइटी मुझे नोटिस नहीं करेगी, या मेरे अंदर जो अगर हम डिज़ायर्स को लें तो वो ये कहना चाहती है कि मेरे अंदर जो डिज़ायर्स हैं वो मुझे नोटिस नहीं करेंगी. एट द सेम टाइम वो दो चीज़ों से इस्केप चाह रही है, एक तो अपनी डिज़ायर्स से भी और दूसरा अपनी सोसाइटी से भी जो उसको क्रश कर रही है, जो उसको रिप्लेस करना चाह रही है. दे विल नॉट स्मेल माई फियर माई फियर माई फियर, यानी जब मैं किसी पौधानुमा शक्ल में आ जाऊँगी तो फिर क्या होगा कि सोसाइटी जो है, लोग जो हैं वो स्मेल नहीं कर सकेंगे मेरे खौफ को. बार बार वो कहती है माई फियर माई फियर माई फियर. विच इज़ द रेक्टर नाउ, अब फिर अनसर्टेनिटी आ गई है. अब वो आइडेंटिफाई करना चाह रही है कि जो लोग मुझे लेने के लिए आए हैं ब्रिज पे वो लोग किस तरह के हैं, कि अब उसमें से वो क्या बता रही है कि रेक्टर कौन है. Is it that they will not smell my fear? यानी कि वो कहती है कि वो ये चाह रही है कि लोगों को ये भी ना पता चले कि मैं सोसाइटी से खौफ खा रही हूँ. एट द सेम टाइम वो एस्केप चाह रही है सोसाइटी से, कि सोसाइटी जो है वो उसको क्रश ना करे, किसी कोई और जो वुमेन है वो उसकी जगह ना ले. लेकिन एट द सेम टाइम वो अंदर से उसको खौफ भी है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो चाह रही है कि मेरे अंदर जो खौफ है ना, मेरे इनर में जो खौफ है उसको भी मैं छुपा के रखूँ, हाइड. हाँ, हाइड भी करना चाह रही है उससे. विच इज द रेक्टर नाउ, वो कहती है कि रेक्टर कौन है. इज इट दैट मैन इन ब्लैक, क्या ये वो आदमी है जो कि जिसने ड्रेसिंग जो है वो ब्लैक ड्रेसिंग में जो मौजूद है आदमी, क्या ये रेक्टर है. ठीक है, यानी कि मैन इन ब्लैक को सिंबलाइज करेंगे हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी के साथ. यानी वो कहती है जो ब्लैक ड्रेसिंग में इंसान जो खड़ा हुआ है, क्या ये रेक्टर है, क्या ये प्रीस्ट है. विच इज द मिड वाइफ, अब वो कहती है मिड वाइफ कौन सी है. इज दैट हर ब्लू कोट, क्या ये वो खातून है जो कि ब्लू कोट में यहाँ पे मौजूद है. Everybody is nodding. Nodding का मतलब होता है सर हिलाना. वो कहती है ये जितने भी तमाम तर लोग मुझे लेने के लिए आए हैं ये सर हिला रहे हैं. अस्कर ब्लैक हेड, और उनके बड़े बड़े से ब्लैक हेड हैं, सर हैं. दे आर नाइट्स इन विजर्ड, नाइट्स इन विजोर कहते हैं इसको, काइंड ऑफ हेलमेट, यानी कि सर पे जो एक हेलमेट की टाइप का एक होता है, जर्रा कहते हैं इसको, वो पहना जाता है सर के ऊपर, जो कि जंगजू पहनते हैं. अब वो कहती है ये ऐसे लग रहे हैं, इनके जो सर हैं वो स्क्योर ब्लैक हेड की तरह लग रहे हैं. एंड दे आर नाइट, और ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जंगजू हों. इन्वेजोर्स यानी कि ये इस तरह हैं कि जैसे जंगजू ने एक किस्म का सर पे जो है वो ज़रा पहना हुआ हो, या काइंड ऑफ हेलमेट जो है वो पहना हुआ हो, ये उस तरह से लग रहे हैं ये तमाम लोग जो मुझे लेने के लिए आए हैं, और साथ वो अपने सर भी हिला रहे हैं. यानी कि इन अदर सेंस अगर हम बैकग्राउंड में बात करें तो वो ये कहना चाहती है कि ये तमाम लोग जो है ना, ये फुल फ्लेज्ड तैयारी में है कि ये मुझे रिप्लेस करके ही छोड़ेंगे, ये मेरी आइडेंटिटी को मिटा के छोड़ेंगे. ठीक है, ये मेरी डिज़ायर्स को क्रश करके छोड़ेंगे. एट द सेम टाइम मैं फियर भी रखती हूँ कि मैं जो है वो अपनी डिज़ायर्स को छुपा सकूं. ठीक है, मैं मेरे अंदर फियर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाह रही है कि मेरी आइडेंटिटी भी मुझे मिले, मुझे रिप्लेस भी ना किया जाए.
breastplates of cheese cloth knotted under the armpits. ब्रेस्ट प्लेट्स, अब वो कहती है कि वो जो लोग मुझे लेने के लिए आए उन्होंने, अब उनकी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही है कि उन्होंने ब्रेस्ट प्लेट्स पहनी हुई है, ठीक है, ऑफ चीज क्लोथ. चीज क्लोथ का मतलब होता है बहुत ही थिन किस्म का जो कपड़ा हो, थिन क्लोथ. थिन क्लोथ के बने हुए उन्होंने ब्रेस्ट प्लेट्स पहनी हुई है, नोटेड, जो के नोटेड का मतलब है गिरा लगाना, जोर से गिरा लगाना किसी चीज को. नोटेड है अंडर दी आर्मपिट्स, उनकी आर्मपिट्स के नीचे, यानी कि उन्होंने अपनी आर्मपिट्स के नीचे जो है वो बहुत मजबूती के साथ ब्रेस्ट प्लेट्स पहनी हुई हैं. देयर स्माइल्स एंड देयर वॉइसेस आर चेंजिंग, और उनकी मुस्कुराहटें और उनकी आवाज़ें जो हैं वो तब्दील होती जा रही हैं, यानी कि वो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो तब्दील करते रहते हैं. मे बी वो ये कहना चाहती है कि वो एट द सेम टाइम मुस्कुराते भी हैं और उनकी आवाज़ें भी जो हैं वो तब्दील हो रही हैं. आई एम लेड थ्रू अ बीन फील्ड, अब वो कहती है कि उसे अब उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से. वो कहती है कि आई एम लेड, यानी कि उसको लीड किया जा रहा है, उसको गुजारा किया जा रहा है, गुजारा जा रहा है, पासन किया जा रहा है थ्रू अ बीन फील्ड. बीन कहते हैं फली को, जिसपे अभी यानी कि वो खिलना होता है फूल, फली का दाना, दाने को कहते हैं. वो कहती है कि मुझे अब बीन फील्ड में से ये लोग जो हैं वो लेकर जा रहे हैं. ट्राइब्स ऑफ टिन फॉयल विकिंग लाइक पीपल, हाँ बिल्कुल. किस चीज को आप कह रहे हो? हाँ, यानी वो डबल तो नहीं कह सकते, यानी अभी वो अपनी एज अ ये कह रही ना कि उसने इमेजरी ये क्रिएट की है कि उसको गुजारा जा रहा है. असल में पूरा अगर इसका पोइम तो इसने बहुत लेंथी लिखी है ये भी पोइम, और इसके अंदर से अगर हम इसके एक एक वर्ड के अंदर घुसें, एक एक वर्ड को देखें, तो हमें वो बीस के हवाले से अगर कॉन्सेप्ट लें तो वो कंफ्यूज कर देगा. लेकिन ओवरऑल जो इसका मेन जो इसका थीम है पूरी पोइम का वो ये है कि इसके हस्बैंड का अफेयर था आशा विवेक के साथ और इसको रिप्लेस कर दिया गया. एक बात तो ये है, ठीक है. दूसरी बात ये कि वो कहती है कि मैं रिप्लेस नहीं होना चाहती, ठीक हो गया. तीसरी बात वो कहती है कि मेरे अंदर फियर भी है. फियर किस चीज़ का है? मेरे अंदर सोसाइटी का फियर है कि सोसाइटी जो है वो मुझे क्रश कर देगी, रिप्लेसमेंट होने का. हाँ, और उसको सोसाइटी से क्लेम है और उसको अपने हस्बैंड से भी क्लेम है. वो कहती है कि सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का, मेल का जो है वो साथ क्यों देती है. उसको सोसाइटी से भी क्लेम है और अपने हस्बैंड के साथ भी क्लेम है. तो अब जब उसने बीन फील्ड की बात की है, तो क्योंकि अब वो जैसे हमने उसमें पढ़ा था, एरियन में पढ़ा था कि बुशेस के साथ वो टकराई थी और वो कहती है कि मुझे जो है वो कांटे भी लग रहे हैं और एट द सेम टाइम मुझे बीस की जो है वो उसको उसने ब्लड से सिमिलाइज किया था तो उसका टेस्ट भी मेरे मुंह में आ रहा है. तो सेम लाइक यहाँ पे भी आया कि अब उसने बीन फील्ड की बात की, अब नीचे आके वो बुशेस की बात करेगी कि जब बीन फील्ड में से मैं गुजरी हूँ, फिर आगे से बुशेस का जब जिक्र करेगी तो इट्स मीन के वो चीज़ हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्स में से गुजरी है. उसकी इंजर्ड साउंड को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है. ट्राइब्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग लाइक पीपल, विंकिंग का मतलब होता है आंख झपकना, टिन फॉयल का मतलब होता है अ थिन शीट ऑफ टिन, यानी कि टिन की बनी हुई एक थिन शीट. स्ट्राइप्स का मतलब होता है नेकेड करना किसी चीज़ को, कपड़े उतारना, ठीक है. अब ये लाइन जो है ये उसकी वेरी पर्सनल लाइन है और इस लाइन का मीनिंग नहीं है. यहाँ पे भी आप पैराफ्रेज में भी इसका आपको मीनिंग नहीं मिलेगा. इसके साथ आप मेंशन कर लो कि ये पर्सनल लाइन है. अब हम इसका देख लेते हैं ट्रांसलेट करके. स्ट्राइप्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग लाइक पीपल, फीडर डस्टर्स फेमिंग देयर हैंड्स इन द सी ऑफ ग्रीन फ्लावर. अब वो कहती है स्ट्राइप्स का मीनिंग है नेकेड, ठीक है. अब आँख झपकना और थिन शीट ऑफ टिन, इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि उसने क्या कहना चाहा है. अब ये उसी को बेहतर पता है कि इसकी ये पर्सनल लाइन थी. बहरहाल जो अगली जो बात का कनेक्शन है वो ज़रूर हमें समझ में आ जाता है. पीपल फीडर डस्टर्स फेमिंग थ्रू हैंड्स इन द सी ऑफ ग्रीन फ्लावर. अब वो कहती है इन द सी ऑफ बीन फ्लावर, यानी कि बीन फ्लावर का समंदर, यानी कि जो
जिस फील्ड में वो दाखिल हुई है वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो फली जो है वो खिली हुई है। तो वो कहती है कि मैं उस जो वहाँ पे जो फील्ड थी उसके दरमियान से मुझे लोग जो है वो लेकर जा रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया हुआ, फीदर डस्टर्स, डस्टर्स झाड़ना होता है किसी चीज़ को, फेमिंग का मतलब है, फेनिंग का मतलब है कटर, देयर हैंड्स इन द सी ऑफ बीन फ्लावर्स, यानी कि वो मुझे झाड़ियों के अंदर से गुजारते हुए, उस बीन फ्लावर्स के समंदर के अंदर से गुजारते हुए, बुशेस के अंदर से गुजारते हुए मुझे क्रश करते हुए लेकर जा रहे हैं लोग जो हैं, यानी कि वो रेक्टर है, उसमें मिडवाइफ भी थी और वो सेक्सटोन था, यानी कि ग्रेव डिगर्स थे, वो मुझे लेकर जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये पोइम जो है वो उसकी डेथ को भी सिम्बलाइज करती है कि वो अपनी डेथ की तरफ भी बढ़ रही है, कि जैसे ही जब उसको रिप्लेस किया गया तो वो एट द सेम टाइम ये कहती है कि जब मुझे रिप्लेस किया जा रहा है तो एट द सेम टाइम मुझे एक तरह से मारा जा रहा है। अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि लोग जो हैं वो मुझे क्रश करते हुए बीन फ्लावर्स के अंदर से लेकर जा रहे हैं, क्रीमी बीन फ्लावर्स विद ब्लैक आईज एंड लीव्स लाइक बोर्ड हार्ट। और वो कहती है कि ये जो बीन फ्लावर्स हैं, ये जो फूल हैं विद ब्लैक आईज एंड लीव, और ये ऐसा लग रहा है, ये जो अपने पत्तों के साथ ठहरे हुए हैं, लीव्स के साथ ठहरे हुए हैं, ये ऐसे लग रहा है लाइक बोर्ड हार्ट, जैसे कि कोई फटा हुआ दिल हो, जैसे कि कोई इंजर्ड हार्ट हो। अब ये लाइन जो है वो उसकी इंजर्ड साउल को रिप्रेजेंट करिए, कि जैसे कि इंजर्ड साउल विद होल, जैसे कि उस चीज उसको ऐसा फील हो रहा है कि जब बुशेस उसके साथ टकरा रही हैं तो उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी साउल के अंदर कोई होल हो गया हो, कोई सुराख हो गया हो। इज इट ब्लड क्लोट दी टेंड्रल्स आर ड्रैगिंग अप दैट स्ट्रिंग, ये लाइन भी जो है ये इसकी पर्सनल आइडिया है। वो कहती है इज इट ब्लड क्लॉट्स, वो कहती है क्या ये ब्लड क्लॉट्स हैं, दी टेंड्रल्स, टेंड्रल कहते हैं बेल की शाख को, आर ड्रैगिंग अप दैट स्ट्रिंग, क्या ये जो ब्लड क्लॉट्स हैं, यानी कि ये जो बीन फ्लावर्स हैं, वो कहती है ये बीन फ्लावर्स इस तरह हैं जैसे कि ब्लड क्लॉट्स हों, यानी कि इन तीन चार लाइनों में उसने बात ये की है कि वो ये कहना चाहती है कि मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि जब ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे रिप्लेस कर रहे हैं, मैं उस बीन फ्लावर्स के समंदर में से गुजर रही हूँ तो उसमें बुशेज भी हैं, और जब मैं उन बीन फ्लावर्स को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ब्लड क्लॉट्स की तरह हैं, ठीक है। और वो एट द सेम टाइम फील कर रही है अपने इनर साइड पे कि उसको लग रहा है जैसे उसकी रूह के अंदर, उसकी साउल के अंदर होल हो गया हो, ठीक है। यानी इसमें हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये बात दिखेंगे कि वो कहना चाहती है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल फील कर रही हूँ, इंजरी फील कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको अब इस पेज में हमने जितनी बातें पढ़ी है ना, यहाँ पे आपकी ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे आप पॉइंट्स बना के लिख लो, यानी वो आपको याद रहेगा, अगर किसी की अटेंशन आ जाती है तो आपको याद रहेगा कि इसमें ये बातें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं इस पेज में। फर्स्ट ये है कि सोसाइटी के आगे छोटा सा एरो डाल के लिख लो कवर्ड, यानी कि सोसाइटी जो है वो कवर्ड है। अब सेकंड चीज़ ये है कि सिल्विया के साथ एरो डाल के लिखे नेकेड, कि सिल्विया जो है वो नेकेड है और सोसाइटी जो है वो कवर अप है, ठीक है। और इस चीज़ से वो फियर भी है उसको कि मैं नेकेड हूँ, सोसाइटी जो है वो कवर है, मुझे रिप्लेस करना चाहिए। सोसाइटी कवर्ड एरो डाल के लिखे, सेकंड है सिल्विया जो है वो नेकेड है, ठीक है। थर्ड है आसिया के ई डी आसिया का अफेयर था, एरो डाल के लिखें अफेयर, कि उसने जो है उसकी अफेयर की बात की है कि उसके हस्बैंड का जो था इसके साथ अफेयर था। उसके बाद इसने जहाँ जहाँ पे प्लांट का जिक्र किया है, प्लांट
किसी भी किस्म के इसने प्लांट का जिक्र अगर किया है तो वो चीज़ शो कर रही है इसकी इनसिक्योरिटी को, ठीक है, डिसलॉयल्टी ऑफ हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड डिसलॉयल्टी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टर, रेक्टर और मिडवाइफ ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रेडिशंस को, ओल्ड ट्रेडिशंस को, ठीक है। एंड दे लुक लाइक नाइट, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो जंगजू हों, नाइट हों। दे लुक लाइक नाइट, जंगजू वाला। एंड एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि दे आर कैरिंग हर थ्रू फील्ड, वो उसको फील्ड में से लेकर जा रहे हैं। एंड शी डोंट वॉन्ट टू शो हर डिजायर्स, वो अपनी डिजायर्स को शो आउट नहीं करना चाहती। हाँ, या आप ये भी लिख सकते हो कि दे सोसाइटी वॉन्ट टू क्रश हर बट शी डोंट वॉन्ट टू शो हर डिजायर्स, या शी वॉन्ट टू हाइड हर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द अथॉरिटी। दे वॉन्ट टू क्रश हर, बट शी डोंट वॉन्ट टू शो हर डिजायर्स, हर आइडेंटिटी, हर फियर, टू शो हर डिजायर्स, फियर, डिजायर्स एंड फियर, आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। आशा विजल, विजल आई थिंक VEIVAL, बिल्कुल बंद कर लीजिएगा इस पेज में, यानी कि जो मैंने ये बातें अब आपको लिखवाई हैं क्लियर हुआ है या नहीं समझ आई? चलेगा आशा विजल को कहाँ से करना है? इसको हाँ ये पीछे अब इसके अगर बायोग्राफी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको इसके स्पेलिंग करेक्ट मिल जाएगा। हाँ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी इस हवाले से ना कि उसकी जो एक स्पेसिफिक उसके अंदर जो डिजायर थी, उसकी जो स्पेशल एक जो अपनी पहचान थी वो उसको ना शो करना चाहती थी। हाँ वो ये कह रही थी कि अगर मेरी डिजायर्स बाहर आ जाती हैं या मैं शो ऑफ कर देती हूँ, या अगर लोगों को ये पता चल जाता है कि मुझे सोसाइटी से खौफ है, अगर सोसाइटी को ये पता चल जाए कि मुझे सोसाइटी से खौफ है तो सोसाइटी को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तो वो मुझे तो फौरन से क्रैश कर देंगी। तो उसको इस चीज़ का भी तो बेसिकली उसने ये चीज़ भी यानी कि शो कर दी है ना कि वुमेन जो है वो एट द सेम टाइम चाहे जितनी भी अथॉरिटेटिव बन जाए, चाहे जितनी भी जो है वो अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर कर ले, जितनी भी वो अपनी यानी कि अपनी आइडेंटिटी को बेहतर बना ले, या वो कहे कि नहीं मैं भी मेल हूँ, मैं सोसाइटी की तरह हूँ, मैं भी मेल्स की तरह हूँ, मैं अपनी एक पहचान बना सकती हूँ, शायद मकान बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी चाहे वो कितनी भी दुनिया में बाहर निकल जाए लेकिन एट द सेम टाइम उसका फियर नहीं कभी भी जाता सोसाइटी के हवाले से, उसके जो है वो इनर में हमेशा ही सोसाइटी के लिए फियर मौजूद रहता है। तो लेकिन वो उसको हाइड रखना चाहती ना, अगर हम इसको इंटेलेक्चुअल हवाले से, हर वुमेन के हवाले से देखें तो हम कहें कि जो लड़कियाँ जॉब करती हैं बाहर निकलती भी हैं तो, लेकिन एट द सेम टाइम अंदरूनी तौर पे इनर साइड पे तमाम फीमेल्स हैं एक ही तरह की, यानी कि एट द सेम टाइम वो फियर अपने अंदर जरूर रखती है मेल डोमिनेंट सोसाइटी का, चाहे जितनी भी वो ग्रोथ बनी हुई है, जितनी भी वो नहीं मेरे ख्याल में, हाँ जितने मर्जी आप रोल मॉडल हो जाओ, और जितना भी एक्सपीरियंस बता दे आपके पास जैसे होता है ना बाहर तो मेरे ख्याल कम होता है, कम से कम हमारे जितना नहीं,
नहीं देता कोई एक दूसरे को, मेरे मामू भी वहाँ कहते हैं वहाँ कोई इस तरह नहीं होता इस तरह। हाँ वहाँ पे तो सब काम से काम काम करो कुछ आइटम का तो काम जिसके साथ आते होंगे लेकिन जो ये खाने की कुछ इसका वो भी था नेक्स्ट पेज देखें। थ्री पेजेस नो इट इज स्केल्ड स्कारलेट फ्लावर्स दैट विल वन डे बी ईटेबल। अब वो कहती है कि वो जो क्योंकि फ्लावर्स की बात कर रही थी जो उसको क्रश कर रहे थे, वो कहती है कि नहीं नहीं अब वो उनको पहचान रही है। वो कहती है स्कारलेट फ्लावर्स होते हैं रेड फ्लावर्स, वो कहती है ये रेड फ्लावर्स हैं, ये तो यानी कि फलने फूलने वाले फ्लावर्स हैं, दैट विल वन डे बी ईटेबल, और एक दिन ये फल फूल कर खाने के काबिल भी हो जाएंगे। नाउ यानी कि अब वो अगर हम इसकी डिज़ायर्स के हवाले से बात करें तो वो ये कहना चाहती है कि उसकी डिज़ायर्स जो हैं वो एक ना एक दिन फुलफिलमेंट जो है वो उनकी हो जाएगी, या होप का सिंबल है ये लाइन, हम ये भी कह सकते हैं। नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल वाइट स्ट्रो इटालियन हैट। अब फिर वही इटालियन हैट की बात आ गई, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन की जो हैट है फैशनेबल वाइट स्ट्रो, यानी वो ये कहना चाहती है दे आर गिविंग मी, यानी कि सोसाइटी जो है वो मुझे दे रही है अ फैशनेबल वाइट स्ट्रो इटालियन हैट। यानी सोसाइटी जो है, जो ये लेक्चर्स जो मेरे पास आए हैं मुझे लेने के लिए आए हैं, अब वो चाहते हैं कि वो भी मुझे ओल्ड ट्रेडिशन की हैट पहनाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि मैं भी बाकी जो है ना खवातीन की तरह बन जाऊँ ओल्ड, यानी कि सेम लाइक, यानी कि क्योंकि मैं मेरी तो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपनी अलग डिज़ायर्स है, लेकिन वो चाहती है कि वो भी मुझे ओल्ड ट्रेडिशन के अंडर लेकर आना चाहते हैं, मुझे भी ओल्ड ट्रेडिशन की हैट पहनाना चाहते हैं और उसके मुताबिक मुझे रखना चाहते हैं, लेकिन मैं वैसा रहना नहीं चाहती। रेक्टर इसको कहते हैं क्लर्जी मैन को, प्रीस्ट को, जो पादरी था। हाँ उसका उसने यानी कि सिंबल यूज़ किया ना कि वो सोसाइटी में अहम किरदार अदा करते हैं, इसको जैसे कि हम ये ले शादी के हवाले से बात ले लें तो वो हेल्प आउट करते हैं ना, यानी मेल्स को तो परमिट वो करते हैं कि हाँ जी आप और भी रिलेशन बना सकते हो, मजीद भी आप शादी कर सकते हो, लेकिन फीमेल्स को इजाज़त नहीं होती। अच्छा वैसे ना हमारे इधर फसल टोल में आगे करके ना वहाँ एक बोला था उसके दोष मिल रहे हैं, तो मैंने हाँ दोनों ऐसा टाइम मेरी अम्मी इतना हैरान करती है, सोसाइटी में रहती कैसे है, तो दोनों को टैकल करती हूँ खुला ले ली होगा ये नहीं अम्मी बता रही है, अम्मी मुझे इतना डिटेल में सुनिए बताएंगी। हाँ वैसे होता है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो फिर मैंने सुना था एक वाक्य कि शोहर ने बीवी को बोल दिया था तलाक तलाक तलाक, तो फिर भी यानी कि बाद में वो ठीक ठाक हो गए, हालांकि कहते हैं कि हो जाती है ठीक का बोल तो आराम से बात होगी। सर नहीं बताते, तुमने भी शेयर बताया अपने भाई का। हाँ और तुमने बता रही थी कहते कि कुछ दिन कहते थी नहीं करी तो नहीं थोड़ा ब्लैक वेल वैसे ही खुल के नहीं बोल एंड अ ब्लैक वेल दैट मोल्ड्स टू माय फेस
और वो कहते हैं कि उन्होंने एक तो मुझे ओल्ड ट्रेडिशन की हैड पहनाना वो चाहते हैं सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम एंड अ ब्लैक वेल, उन्होंने मुझे काला नकाब भी दिया है दैट मोल्ड्स टू माई फेस, जो कि मैं अपने जो कि वो मेरे चेहरे पर दे रहे हैं, यानी कि वो मुझे नकाब भी पहचाना चाह रहे हैं, यानी कि वो ये करना चाह रहे हैं सोसाइटी के औरत जो है उसका इतना ही मकाम है कि उसको बस नकाब में जो है वो रखा जाए, उसको जो है वो दबा के रखा जाए, वो अथॉरिटी नहीं बन सकती। दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, और वो कहती है कि वो मुझे अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, वो मुझे अपने जैसे ही बनाना चाहते हैं। इज इट दी हॉथहॉर्न दैट स्मेल सो सिक, वो कहती है कि क्या ये कोई हॉथहॉर्न झाड़ी को कहते हैं, कहती है क्या ये कोई झाड़ी है, यानी क्योंकि वो खेतों में से गुजर के उसको लेके जा रहे हैं ना गुजार के, तो वो कहती है कि क्या ये कोई झाड़ी है जिसकी जो स्मेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है। ऊपर वाली जो लाइन है इसकी शो करती है जो भी हमने पढ़ी है डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी को, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है क्योंकि सोसाइटी जो है वो उसको ओल्ड ट्रेडिशंस में रखना चाहती है, उसको वेल में रखना चाहती है। इज इट दी हॉथहॉर्न दैट स्मेल सो सिक, क्या ये कोई झाड़ी है जिसकी स्मेल जो है वो बहुत बुरी आ रही है। अब इस लाइन का ना नीचे वाली लाइन के साथ कोई कनेक्शन है ना ऊपर वाली लाइन के साथ, ये सेपरेट ही लाइन है, बस उसको फील हो रहा है कि समथिंग एग्जॉस्टनेस उसको फील हो रही है, इसलिए उसने ये बात की है कि क्या ये कोई झाड़ी है जो कि जिसकी स्मेल मुझे बहुत बुरी आ रही है। दी बैरन बॉडी ऑफ हॉथहॉर्न इट राइजिंग इट्स चिल्ड्रन, एथराइजिंग एथर का मतलब होता है बादलों के पार की हवा, यानी ये समथिंग ये इस तरह की कोई हवा होती है जिसकी स्मेलिंग जो है वो बहुत इरिटेट करने वाली होती है, इरिटेटिंग एयर कह सकते हैं, इरिटेटिंग विंड कह सकते हैं, कि वो कहती है ये जो झाड़ी की जो स्मेलिंग है हाँ मे बी यहाँ पे इसका ये फियर शो हो रहा है या इसकी इनसिक्योरिटी शो हो रही है, उसको एग्जॉस्टनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, उसको शो कर रही है। हाँ आने वाली जो उसकी ट्रबल है उसको ये चीज़ शो कर रही है, वो कहती है ये इस तरह से मुझे इनकी स्मेलिंग लग रही है कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली कोई चीज़ हो। इज इट सम ऑपरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, अब देखो उसने मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन वो देती जा रही है ना, और वो खुद भी यकीन नहीं है उसे किसी भी चीज़ में, खुद भी वो अनसर्टन है ना, वो उन लोगों को पहचान पा रही है ना जहाँ जहाँ से वो गुजर रही है उन जगहों को पहचान पा रही है, यानी कि जब अनसर्टेनिटी की उसने बात कर दी तो वो यही कहना चाहती है असल में कि वुमेन को खुद ही नहीं पता कि वो क्या है, यानी अपनी ही आइडेंटिटी का उसको नहीं पता है। इज इट सम ऑपरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, वो कहती क्या ये कोई ऑपरेशन है, क्या कोई यानी कि जो सोसाइटी है क्या वो मुझे ऑपरेट करना चाह रही है, मेरा ऑपरेशन करना चाह रही है जो कि हो रहा है। इज इट द सर्जन माई नेबर्स आर वेटिंग फॉर, वो कहती है क्या ये जो तमाम लोग जो मुझे लेकर जा रहे हैं क्या ये कोई सर्जन हैं जो मुझे लेकर जा रहे हैं ऑपरेट करने के लिए। दिस ऑपरेशन इन अ ग्रीन हेलमेट, अब उसने कोई किसी और शख्स को देखा है जिसने जो है ना ग्रीन लाइक ग्रीन हैट पहनी हुई है, यानी कि ग्रीन कलर का कोई हेलमेट पहना हुआ है। अब ये चीज़ भी किसी चीज़ को सिम्बलाइज करती है। अब अपारेशन का मतलब होता है गोस्ट, भूत टाइप जैसे कहते हैं, यानी कि अब वो कह रही है कि मैंने एक अजीब सी किसी क्रिएशन को देखा है, अजीब सी किसी मखलूक को देखा है जो कि समथिंग गोस्ट लाइक है, और उसने ग्रीन कलर का हेलमेट टाइप कुछ पहना हुआ है, शाइनिंग ग्लव्स, उसके जो ग्लव्स हैं वो शाइन कर रहे हैं, एंड वाइट सूट, और उसका जो सूट है वो वाइट कलर का है। मे बी ये प्रीस्ट हो सकता है कि समथिंग कोई, या फिर हम कह लें कि अगर उसने घोस्ट लाइक कुछ सिम्बलाइज वो करना चाह रही है, और ग्रीन हेलमेट फिर शाइनिंग ग्लव्स उसने कहा है एंड वाइट सूट कहा है, तो मे बी यहाँ पे गोल्ड का भी सिम्बल हो सकता है कि वो ये कहना चाह रही है कि शायद मैंने गोल्ड को देखा, ठीक है, जो कि वाइट सूट और शाइनिंग ग्लव्स में है। इज इट द बुचर, अब वो कहती है कि ये जिसको मैं देख रही हूँ क्या ये कोई कसाई है, बुचर है, द ग्रोसर, या फिर क्या ये कोई सब्जी फरोश है, ग्रोसर का मतलब सब्जी फरोश, या ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पे ले सकते हैं, द पोस्टमैन, क्या ये कोई पोस्टमैन है जो मेरे लिए कोई पैगाम लिख रहा है, समवन आई नो,
यानी ये उनमें से ही कोई शख्स है जिसको मैं जानती हूँ, यानी कि शख्स को मैं ज़रूर जानती हूँ या मुझे इसके बारे में कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर है, लेकिन मैं फिर भी पहचान नहीं पा रही। आई कैन नॉट रन, वो कहती हैं लोगों ने मुझे इस तरह से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, मुझे इस तरह से लेकर जा रहे हैं कि आई कैन नॉट, आई कुड नॉट रन, कि मैं भाग नहीं सकती विदाउट हैविंग टू रन फॉर एवर, जब तक कि मैं हमेशा के लिए ना भाग जाऊँ। यानी कि अच्छा नहीं, मैं ऊपर वाली लाइन में आ गई, आई कैन नॉट रन, मैं भाग नहीं सकती, आई एम रूटेड, मैं जकड़ी हुई हूँ, रूटेड मैं जकड़ी हुई हूँ, एंड दी ग्रोज हर्ट्स मी, ग्रोज का मतलब बुशेज है, और जो बुशेज हैं, जो कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, वो मुझे क्रश कर रहे हैं, मुझे बार बार वो हर्ट कर रहे हैं। यानी वो कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो फीमेल है, फेमिनिज्म का यहाँ पे इस लाइन में कॉन्सेप्ट है कि फीमेल जो है वो जकड़ी हुई है मेल डोमिनेंट सोसाइटी से, वो एस्केप करना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी को शो आउट करना चाहती है, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहती है, लेकिन उसकी मेल डोमिनेंट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो कहती है कि मैं भाग नहीं सकती और मैं जकड़ी हुई हूँ उसमें। विदर्स येलो फोर्सेस इट्स स्टिकी आर्मरी, और वो कहती है मैं जकड़ी हुई हूँ उन फ्लावर्स के अंदर, वो जो बुशीज हैं सॉरी उनके अंदर, विदर्ड येलो पर्सेस, जिनके यानी वो ऐसी झाड़ियाँ हैं जिसके येलो फूल हैं, फल हैं, पर्सेस का मतलब यहाँ पे फल फूल है, फ्लावर्स जिसके येलो फ्लावर्स हैं, वो जो झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर येलो फ्लावर्स लगे हुए थे। इट्स स्पाइकी आर्मरी, स्पाइकी का मतलब होता है कांटेदार, आर्मरी आर्मर जैसे वो कहते हैं तलवार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शील्ड आएगा, यानी कि कांटेदार जो शील्ड्स हैं उनके ऊपर येलो फ्लावर्स लगे हुए थे। ये इमेजरी उसने बनाई है, यानी कि जिन झाड़ियों में से उसको लेके जाया जा रहा है ना, वहाँ पे कुछ येलो फ्लावर्स भी उसको नज़र आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम बुशेज भी हैं जो कि उसको हर्ट कर रही हैं, उसको चुभ रही हैं। हाँ, यानी दो कॉन्सेप्ट उसने रख दिए ना सामने, बीच में उसने फ्लावर्स का भी जिक्र कर दिया, यानी एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत कहीं उसको होप भी नज़र आ रही है, और एट द सेम टाइम उसको आई कुड नॉट रन विदाउट हैविंग टू रन फॉर एवर, ब्यूटीफुल लाइन इज दैट। वो कहती है कि आई कुड नॉट रन, मैं भाग नहीं सकती विदाउट हैविंग टू रन फॉर एवर, जब तक कि मैं हमेशा के लिए ना भाग जाऊँ। सिंबल ऑफ, हाँ बिल्कुल, डेथ का सिंबल है, यानी वो कहती है कि औरत जो है वो सोसाइटी के जंगल से तभी आज़ाद होगी जब वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो आज़ाद हो जाएगी, यानी कि डेथ उसकी तरफ होगी। द वाइट हाइव इज स्नग एज अ विर्जिन, पर्सनल आइडिया इज दैट, वो कहती है वाइट हाइव, वाइट हाइव जो वो छत्ता बना हुआ है हाइव, उसको छत्ते को कहते हैं मक्खी के, इज स्नग, स्नग कहते हैं पाक साफ होने को, साफ सुथरा होने को, एज अ वर्जिन, वर्जिन कहते हैं इसको, दोशीजा, पाक दोशीजा, जिसे अभी जिसकी चस्टिटी कायम हो। तो वो कहती है ये जो हाइव है, छत्ता है, क्योंकि उसने अपने आप को क्वीन बी से रिप्रेजेंट किया था ना, अब वो कभी यानी कि उन लोगों की बात करती है, फिर बीच में वो हाइव की तरफ भी आ जाती है। वो कहती है जो हाइव है ये इस तरह से पाक साफ है कि जैसे कि एक दोशीजा हो, अनछुई दोशीजा की तरह, ये मुझे लगता है। सीलिंग ऑफ हर ब्रॉड सेल्स, हर हनी एंड क्वाइटली हमिंग, वो कहती है सीलिंग ऑफ, यानी कि अब क्वीन बी ने छत्ते में जो जो मक्खियों का छत्ता जो शहद बना रहा था, अब उसने सीलिंग ऑफ कर दिए, यानी कि अब शहद बनाना बंद कर दिया है। हर ब्रूड सेल्स, उसके सेल्स ने, ठीक है, हर हनी, उसका जो शहद था, एंड क्वाइटली हमिंग, और वो क्वाइटली हमिंग, और वो जो छत्ता है वो सरगोशियाँ कर रहा है, गीत गा रहा है हल्के हल्के। यानी कि इस लाइन का बैकग्राउंड मीनिंग ये है कि वो ये कहना चाहती है, क्योंकि उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है आशा विविल के साथ, तो वो ये कहना चाहती है कि अब उसने जो है वो यानी कि क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेज आ गए, तो इस वजह से उसने जो है वो अब उसके मजीद जो है वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, या उसने जो है वो इस चीज़ को
वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया. सीलिंग ऑफ जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मज़ीद शहद की मक्खियों में जो है वो मज़ीद शहद नहीं बनेगा, यानी कि मज़ीद उसकी लाइफ में कोई भी इस तरह की खुशी नहीं आ सकती क्योंकि अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है. स्मोक रोल्स एंड चर्स इन द ग्रूव. स्मोक रोल का मतलब यानी कि धुआं उड़ाना. एंड स्कार्वर्स का मतलब होता है हवा देकर फेंकना किसी चीज़ को. इन द ग्रोव, ग्रोव यहाँ पे उसको लिया गया है जंगल को, फॉरेस्ट को. यानी कि वो कहती है फॉरेस्ट के अंदर जो हनी भी बना हुआ था, हाइव बना हुआ था, यानी कि जब भर जाता है वो छत्ता, फिर उसको आग दी जाती है ना, फिर उसमें से यानी कि शहद निकला रहता है. अब ऊपर उसने बात ख़त्म कर दी कि सीलिंग ऑफ हो गई है, यानी कि अब मज़ीद शहद उसमें नहीं बनेगा, इस वजह से अब स्मोक वहाँ पे दी जा रही है, स्मोक दिया जा रहा है, यानी कि शहद के मक्खे को अब जो छत्ता बना हुआ उसको ख़राब किया जा रहा है फायर दे के, स्मोक दे के. द मिड ऑफ द हाइव थिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग. अब वो कहती है कि क्योंकि छत्ते को जो है वो अब ख़राब कर दिया गया है आग दे के, तो अब हर चीज़ ख़त्म हो गई है. यानी कि ये चीज़ इस लाइन को शो कर रही है कि ओल्ड ट्रेडिशन और ओल्ड सोसाइटी जो है वो जीत गई है इससे. सिल्विया प्लेथ की जो डिज़ायर्स हैं, इसकी जो आइडेंटिटी है, इसका जो अपनी जो है वो अपने आप को सिक्योर करने की जो इसकी कोशिश थी, जो इसकी ये कोशिश थी कि इसको रिप्लेस ना किया जाए, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हार गई हैं और सोसाइटी जो है वो अब कामयाब हो रही है इसको क्रश करने में. हेयर दे कम, अब वो यहाँ आ रही हैं. दी आउट राइडर्स ऑन देयर हिस्टेरिकल इलास्टिक का मतलब है साइकोलॉजिकल डिजीज़. अब उसने उन पर यानी कि यूँ कह लो कि एक तंजिया बात कर दी है, स्पिरिकल बात कर दी है. वो कहती है कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस लेके बैठे हुए ना सोसाइटी, जो प्रीस्ट बैठे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को फेवर देते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना ये नफसियाती मरीज हैं, पागल हैं, ये उल्लू के पट्टे हैं, ये जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ है इनकी, जो यानी कि ये फीमेल सोसाइटी को जो है वो बिल्कुल भी कोई, फीमेल्स को जो है वो बिल्कुल भी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते. यानी कि उसने जो है उन पर बहुत बड़ा स्टायर किया है कि वो साइकोलॉजिकल डिजीज़ है इनकी, ये ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ जो चलते हैं लोग. इफ़ आई स्टैंड वेरी स्टिल, अब फिर ये लाइन इम्पोर्टेंट भी है. वो कहती है इफ़ आई स्टैंड वेरी स्टिल, अगर मैं साकिन होकर ठहर जाऊँ, दे विल थिंक, तो ये सोचेंगे आई एम काओ पार्सली. काओ पार्सली इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट. वो कहती है कि मैं, तो ये सोचेंगे कि मैं कोई पौधा हूँ, मैं किसी किस्म का एक पौधा हूँ, अगर मैं एक साकिन होकर ठहर जाऊँ. यानी वो ये चाहती है ना कि उसको ना रिप्लेस किया जाए, तो वो अपनी इस्केप चाहती है. वो चाहती है कि मैं इस्केप कर जाऊँ इस चीज़ से, ये लोग जो है वो मेरे साथ इस तरह गलत ना करें. वो कहती है अगर मैं साकिन होकर ठहर जाऊँ तो क्या होगा, दे विल थिंक, ये सोचेंगे आई एम काओ पार्सली, कि मैं कोई पौधा हूँ, प्लांट हूँ. A dribble head untouched by their animosity, enemies को कहते हैं दुश्मन को. और dribble head का मतलब होता है पागलों जैसा सर, यानी कि एक ऐसा शख्स जो नीम पागल होता है. A dribble head untouched by their enemies, और मैं इस तरह से साकिन होकर ठहर जाऊँगी कि जैसे कि कोई नीम पागल शख्स हो. एंड अनटच्ड, और फिर वो मुझे नहीं छुएंगे, यानी वो सर जो नहीं छुएगा बाय देयर एनिमीज, वो अनटच रहेगा बाय देयर एनिमोसिटी, यानी कि एनिमीज जो मेरे दुश्मन हैं, ये जो सोसाइटी है, फिर ये मुझे अनटच रहेगी, मुझसे मुझे नहीं छू पाएगी. जैसे
हाँ पंखा लगा हुआ है, वो भी लाइट नहीं हुई। कूलर ना वो थोड़ा सा ना नीचे से लीक करता था, तो मैंने अम्मू को सुबह कहा कि इसको ठीक कर दे, मुझे वो थोड़ा सा उसको ठीक है हाँ किया, तो वो और ही बड़ा सुराग कर दी। मैंने कहा ये क्या की है आपने, तो अब वो वैसे भी थोड़ा वो ठीक करवाने वाला था। अगर आपने ये भी कम्प्लीट करनी है और आपको मॉर्निंग सॉन्ग भी पढ़ना है, मॉर्निंग सॉन्ग तो हमने पढ़ लिया, यू आ जाएंगे कब? जब अकेडमी में एडिट करके पढ़ेंगे। बच्चों के लिए लिखी है वो दोनों? हाँ दोनों बच्चों के लिए। जब वो बेबी कह रही होती है कि तुम्हारी जो आवाज़ें आ रही ना, और वो इस तरह से जैसे समंदर की लहरें, आपकी पॉइंट जो है ना वो खत्म हो गई है, बल्कि इसमें यू आर में से तो आता भी बहुत ही कम है, नहीं आता, शामिल नहीं है। तो यू आर ये वैसे अपने हस्बैंड में लिखी होगी? नहीं नहीं वो मैं बेबी से। बुकिंग आनी है?